हमें छोटी छोटी बातों से जिंदगी में सीखना चाहिए। चींटी है ना, चींटी जिंदगी में कभी भी रुकना नहीं छोड़ेगी। बहुत छोटा जीव होता है लेकिन रुकती नहीं है। मैं पहले भी एक बार एग्जांपल दे चुका हूँ, जब हम बहुत सारी परेशानियों का सामना कर चुके होते हैं, बहुत बार पेपर दे चुके होते हैं जिंदगी में, बहुत बार काम शुरू कर चुके थे, काम ठप पड़ जाता है, धंधा नहीं चलता, खेती बाड़ी करते हैं ढंग से खेती नहीं होती, फसल खराब होगी, 20-30 बार पेपर दिए नहीं हुआ, किस्मत का बहुत सारे लक फैक्टर भी है कि जहाँ पर हम हमारा जीवन। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट होता है कि इस चींटी की तरह, ये चींटी है ना, इसके पास तीन रास्ते होते हैं। छोटा सा जीव बेचारा, इसके आगे थोड़ा सा भी बैरियर आया, बैरियर हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां, लेकिन इसके लिए तो वही कठिनाई है जहां से इसको बेचारी को जाना है। छोटा सा जीव है, ये क्या करेगा, या तो धीरे धीरे इसके ऊपर से चला जाएगा, पॉइंट नंबर एक, ठीक है। दूसरा ये या करेगा कि यहां बैरियर आ गया, इसके सहारे सहारे चलने की कोशिश करेगा, यहां यहां से निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। दो काम करेगा, या तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेगा, इसके ऊपर से चला जाएगा, या फिर इसके यहां से चलाए। लेकिन आप यकीन मानना, प्रकृति का नियम है, चींटी को दो पल देख लेना, कभी भी चींटी वापिस नहीं जाती, कभी भी चींटी वापिस नहीं जाएगी अपने उस रास्ते से, उसको जहां जाना है वो जाएगी। या तो वो क्या करेगी, थोड़ी देर रुकेगी, देखेगी मसला क्या है, कि ऊपर से चली जाऊं, ठीक है, या नीचे से चली जाऊं, या फिर यहां से चली जाऊं थोड़ा, लेकिन जाएगी जरूर। तो जिंदगी में कहने का मतलब है, चींटी हमें बहुत चीज सिखाती है कि रुकना नहीं है। कि अब बच्चे सर कई बार पेपर दिया, जैसे हाल ही में कोई पेपर हुआ कि ग्रुप डी का हुआ या एचएससी का हुआ, कोई भी सीपीओ का, सर मैंने 3-4 बार दिया नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत नहीं थी, मेहनत खूब थी, लेकिन किस्मत कई बार क्या होता है कि इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से ही, इस रास्ते से ही, लेकिन जाना, रुकना नहीं है बस। प्रकृति उसी आदमी को तोड़ के देखती जिस आदमी दम होता है कि मैं इसको दूं या नहीं दूं। वरना महेंद्र सिंह धोनी टीटी थे, उनको पहले भी दे सकती थी प्रकृति, लेकिन उसने खूब तोड़ा उसको, फिर प्रकृति ने उसको इतना दिया कि आज उस पर संभलता नहीं, इतना दिया। तो प्रकृति हमेशा इंसान को सोच समझ के देती है, और जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं, जो इन चीजों में बिलीव करते हैं, नेक नीति में, स्पष्टीकरण में और ईमानदारी में, यकीन रखना भगवान उनको बहुत देता है, देर से देर देता है। हो सकता है कुछ चीजें देर हो, कहते ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये रियलिस्टिक चीजें हैं, आप यकीन मानना इन चीजों में। भगवान किसी ऐसे मूर्ति का नाम नहीं है, भगवान प्रकृति है, और प्रकृति कभी ना कभी जरूर देती है, बशर्ते इस चींटी की तरह रास्ते बदल लो, इधर से चले जाओ उधर से चले जाओ, रुकना नहीं है बस। जीवन में रुके तो वही हम हार मान ली, वही हमारा जो स्ट्रगल फेस था वही बंद हो गया, और जहां से हम चले थे वहीं पर हम रुके। और ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे लोग जो आप काम धंधा का पढ़ाई शुरू कर दी, बहुत सारे आपके एंटी हैं जो ये चाहते हैं कि आप कब किताबें क्विट करो, आपके रिश्तेदार पड़ोसी, आप कोई काम धंधा शुरू करते हो नहीं चल रहा, थोड़ा सा और ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके बंद करने का इंतजार वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने सोचा था कि काश ये कामयाब होना हो जाए, हमसे आगे ना निकल जाए, हम पे डिपेंड ना, हम पे ये डिपेंड था कल तक, आज ही इंडिपेंडेंट ना हो जाए। तो बहुत सारे चीजें दिमाग में लेकर चलो, और मेरा तो एक ही मानना है कि दिमाग में हमेशा माँ बाप की ऐसी तस्वीर बना के रखो कि जिन जिन ने उन पे ताने मारे हैं, वो तानों का बदला बस अपन इस जीवन में ले, बस इतनी मेहनत करो, ठीक है ना, रुकना नहीं है बस चींटी की तरह।